कबीर बुद्धा सब लोग सामान्य आदमी हैं परंतु कष्ट के हैं, कष्ट के हैं, आपके जैसे सोए नहीं। जून में मैं वृंदावन गया था। वृंदावन में गोविंद मठ, जिसमें 24 आवर ओम नमः शिवाय का जाप चला करता है, तो मैं ध्यान में बैठा हुआ था साइड में। वहाँ के जो महंत हैं श्री, आपका नाम क्या है, क्या काम करते हैं, कहाँ से हैं आप? मैं बीरेश त्रिपाठी, कानपुर CID से, और करीब 2012 में मुलाकात हुई थी। अच्छा, तब से मैं ध्यान कर रहा हूँ। वेरी गुड। जून 18 में वृंदावन दर्शन करने गया था, तो गोविंदाचार्य जी के आश्रम में मैं बैठा हुआ था। 21 वर्ष से मौन धारण किए हैं विज्ञानाचार्य जी वहाँ, तो वो आश्रम में आरती करते हुए निकल रहे थे, मुझे देखा रुक गए, अपने शिष्य को लिखे दिया ये कौन है, तो उससे सुने कहा ये कानपुर CID से आते हैं, अक्सर ऐसे ही बैठ जाते हैं, तो बोले कि जब ये उठे तो मेरे पास लेके आना। जब मैं उनके पास गया तो वो लिख के दिया क्या कर रहे थे, मैंने कहा ध्यान, कहे मेरे सामने करो। 25 मिनट करीब मैंने उनके सामने किया, तो उन्होंने रजिस्टर पर लिख के दिया हमको कि यह ध्यान आपको ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री द्वारा सिखाया गया है और पूर्व जन्म में ये गौतम बुद्ध के शिष्य रह चुके हैं। तीसरा पॉइंट था कि आचार्य रजनीश और श्री ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी एक गुरु के शिष्य रहे हैं और कई शक्तियां इनके पास कार्य कर रही हैं जो सीधा शक्तिपात करके ध्यान में ले जाती हैं। ऐसे दिव्य पुरुष के मैं दर्शन करना चाहता हूं, एक बार आश्रम तक ले आए। मैंने बताया सर को, सर कहे फरवरी में चलूंगा। ध्यान के पूर्व हर व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है, ध्यान के पश्चात हर एक व्यक्ति असामान्य व्यक्ति बन जाता है, तो आप क्यों नहीं बनते स्वामी जी, बनना नहीं चाहते हैं? आप सामान्य व्यक्ति, इधर आके इधर बैठिए, आप इधर आइए, तालियां बजाइए इनके लिए, ये सामान्य व्यक्ति। अभी हम ध्यान में बैठेंगे, थोड़े लोग मेरे साथ इधर बैठना, प्लीज कम, सम पीपल कम हियर, आई वांट दिस टू बी फिल्ड अप विद पीपल। आप इधर आइए सभी लोग, स्वामी मेरे साथ बैठिए, आप तो असामान्य हैं। बैठो बैठो, सामने 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 बैठो। सभी लोग हाथों में हाथ रखिए, चश्मे निकाल लीजिए। जो लोग स्टेज के ऊपर बैठ सकते हैं आकर बैठिए। पूरे लाइट निकाल दीजिए बाबा, आंखें बंद कर लीजिए, अब म्यूजिक शुरू करो। मैडम दोनों हाथ ऐसा ऐसा, आंखें बंद, संगीत के साथ हम ध्यान में बैठेंगे, आंखें बिल्कुल बंद, लगातार 40 मिनट। चश्मे निकाल दीजिए, हम भी कबीर बनेंगे, हम भी संत ज्ञानेश्वर बनेंगे बाबा, हम भी असामान्य बनेंगे। दुनिया में कोई भी सामान्य ना रहो, सभी लोग असामान्य बनेंगे। दिन के 24 घंटे हैं, काफी समय अपने पास असामान्य बनने के लिए, ध्यान के माध्यम से। Thank you.
साथ ये होकर रहेंगे। जैसे संगीत का अभ्यास बिल्कुल इसी तरह ध्यान का अभ्यास रियाज। बार बार ध्यान करें, हजार बार ध्यान करें बाबा, क्या करेंगे नहीं तो बेकार के बातें करेंगे। असामान्य बनो, जो समय को व्यर्थ गंवाता है वो तो सामान्य ही रह जाता है, जो समय का फायदा उठाता है वो असामान्य बन जाता है। और ध्यान के माध्यम से सभी लोग यूं ही असामान्य बन जाते हैं। देखते देखते हम असामान्य बन जाते हैं, जैसे अनगिनत लोग बन चुके हैं। संगीत के साथ हम ध्यान में बैठेंगे, जिनके 24 घंटे में 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे 10 घंटे बाबा, हम 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे 10 घंटे बेकार के बातें करते रहते हैं अक्सर, जो न घर के होते न घाट के होते, और सामान्य ही रह जाते हैं। क्यों नहीं रहेंगे, बेकार बातें करते ही रहेंगे तो सामान्य ही रह जाएंगे हम। लगातार 40 मिनट मैं भी देखूं आपके पास कितना श्रद्धा है असामान्य बनने के लिए। हम तमोगुण के मारे हुए, हम रजोगुण के मारे हुए,
लगातार 40 मिनट, इसे कहते हैं हनुमान चालीसा। हनुमान यानी सांस के पुत्र बने, चालीसा यानी 40 मिनट, ऐसा 40 दिन। इस वक्त आप हनुमान चालीसा को अपना रहे हैं, क्योंकि मंत्र वंत्र की बात नहीं है, सांसों की बात है। सांस के पुत्र हैं हनुमान जी, तो हम भी सांस के पुत्र बनेंगे बाबा। Re ma re ma pa re ma.
परे रे परे चालीस मिनट कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे।
हम भी योगी बनेंगे, योगीश्वर बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? हम कोई आलसी तो थोड़ी हैं, हम तमोगुण के मारे थोड़ी हैं, दिन के 24 घंटे बड़ा क्या करते हैं? हम भी योगीश्वर बनेंगे बाबा, बिल्कुल बनेंगे। फिलहाल इस वक्त कोई भी आंखें न खोलें। अगर मैं बांसुरी बजा सकता हूँ तो आप भी बजा सकते हैं, अगर मैं योगी बन सकता हूँ तो आप भी बन सकते हैं, क्यों नहीं बनेंगे बाबा? अगर गौतम बुद्ध कुछ बने तो हम क्यों नहीं बनेंगे? हम भी बन सकेंगे, हम भी बनेंगे भी, क्यों नहीं बनेंगे बाबा बताइए एक बात। आप कुछ भी कर सकते हैं, या कुंभकर्ण के जैसे सोच सकते हैं, या गौतम बुद्ध के जैसे बुद्ध इंसान बन सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। कुंभकर्ण के जैसे बने, 6 महीने खाए, 6 महीने सो जाए, मर्जी आपकी। या हरिप्रसाद चौरासी के जैसे बन सकते हैं, या बिस्मिल्लाह खान के जैसे बन सकते हैं, या गवास्कर के जैसे बन सकते हैं, या लियोनार्डो डा विंची के जैसे बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं आप। अगर आप आलसी नहीं है तो कबीर जी के जैसे बनेंगे आप, क्यों नहीं बनेंगे? हर एक आदमी भगवान है, कौन भगवान नहीं है? परंतु हम आलसी भगवान, तमोगुण के भगवान, रजोगुण के भगवान है, यही तो आपत्ति है। रजोगुण को और तमोगुण को खत्म करिए बाबा, और असामान्य बन जाएगी आप। या तमोगुण और रजोगुण से रहिए, सामान्य ही रह जाइए जिंदगी भर की कहानी, मर्जी आपकी, किस रास्ता चुने आप। केवल 40 मिनट, मैं ज्यादा पूछा थोड़ी, इसे कहते हैं हनुमान चालीसा, पवन पुत्र बने 40 मिनट। क्यों नहीं करते हैं आप? क्या पहुंचे हुए हंसते हैं क्या? केवल 40 मिनट, ज्यादा नहीं। इसी को कहते हैं गंगा जी का स्नान, गंगा जी में स्नान। अपने घर में ध्यान में बैठी तो वही गंगा जी का स्नान है। कानपुर के लोग कान खोल कर सुन लेना, गंगा जी का स्नान क्या होती है, पहचान लेना बाबा, बाद में स्नान के पीछे पड़ना, कुछ भी जानते ही नहीं, भारत देश में जन्म लिए फिर भी न किसी से सीखे न किसी को सिखाए, ऐसा स्थिति है। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, केवल 40 मिनट।
हम अपने आप को सामान्य देखना चाहते हैं, इसीलिए हम सामान्य बन चुके हैं। हम अपने आप को असामान्य देखना चाहते हैं तो आप असामान्य बनेंगे, कोई भी बनेगा। यद्भावम तद्भवति, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किम वदंती है सत्यम या मति ही सा गति भवति। जैसे आपकी मति होती है ना, वैसे ही आपकी गति होगी। मुक्ति को चाहते हैं तो मुक्ति पा लेंगे, बंधन को चाहते हैं तो बंधन ही पाएंगे आप। ये आपके ऊपर निर्भर है, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। हम सामान्य रहना ही चाहते हैं तो वैसे ही बनेंगे आप। आप असामान्य बनेंगे तो हर रोज समय समय को अभ्यास करेंगे, पल पल की फायदा उठाएंगे, आप लाभ उठाएंगे, क्योंकि आप असामान्य बनना चाहते हैं। हर असामान्य व्यक्ति पहला सामान्य ही था, फिर भी अपने आप को पकड़ लिया और असामान्य बन गया। लता मंगेशकर जैसे कोई भी बन सकते हैं, भीमसेन जोशी के जैसे कौन नहीं बन सकता है, बाबा पतंजलि के जैसे कौन नहीं बन सकता है। इसी को कहते हैं स्पिरिचुअल साइंस, यही सूत्र को बताती है स्पिरिचुअल साइंस। आप स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के सदस्य में हैं, आप तो आपको भी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बननी है, इसीलिए आप यहाँ आ पहुँचे हैं। असामान्य लोगों से सीखते सीखते हम भी असामान्य बन जाते हैं, सामान्य लोग से सीखते सीखते हम भी सामान्य ही रह जाते हैं। किन से सीखना किन से ना सीखें, इस चीज़ को सीखे आप। केवल 40 मिनट में, ज़्यादा नहीं बिठाऊंगा आपको मैं, परंतु मैं आपसे आपके लिए बहुत दूर से आया, हैदराबाद से। क्यों आया मैं, मुझे क्या काम है कानपुर में। मैं क्यों इतना कष्ट उठाऊं, क्योंकि मैं हर एक बंदा को असामान्य देखना चाहता हूं। बाबा ये मेरे लिए मैं काम कर रहा हूं, आपके लिए थोड़ी कर रहा हूं मैं। मैं चाहता हूं कि आप 40 मिनट बैठे तो मैं आपको बिठा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप बैठे ऐसे। ये मेरा स्वप्न है कि मैं लोगों को देखूं आप बैठे ऐसे बैठे, ये मेरा सपन है, मेरे सपन को मैं साकार कर रहा हूं। केवल 40 मिनट, आपके लिए मैं बहुत दूर से आया, हैदराबाद से। मेरे पास भी पत्नी है, बच्चे हैं, मेरा भी घर है बाबा, सब कुछ छोड़कर आया मैं आपके लिए। तो क्या अपना आलसपन नहीं छोड़ेंगे आप, तमोगुण नहीं छोड़ेंगे आप अपने आप के लिए। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे, केवल 40 मिनट मैं भी देखूं आप कितने तत्पर हैं, कितने श्रद्धालु हैं अपने आप के प्रगति के प्रति। Thank you.
आखिरी पाँच मिनट कोई भी आंखें न खोले, केवल पाँच मिनट अपने आप से मिलन। आखिरी तीन मिनट आखिरी एक मिनट तीस सेकंड बीस सेकंड दस सेकंड ठीक है। अपने दोनों हाथों को दोनों आंखों के ऊपर रख लीजिए, केवल पाँच सेकंड, पाँच चार तीन दो एक शून्य, धीरे धीरे हाथ निकाल दो, आंखें खोल लीजिए। थैंक यू वेरी मच, कल सुबह मिलेंगे फिर। कल सुबह 8:30 बजे पूरे पत्री सर के साथ सानिध्य में हम बांसुरी वादन और संगीत के साथ में ध्यान करेंगे, 8:30 बजे। और हमारे जो इंग्लिश और हिंदी के मैगजीन आते हैं जिसमें सभी साधकों के एक्सपीरियंसेस आते हैं, पत्री सर के प्रोग्राम आते हैं, पत्री सर के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, सर क्या समझाते हैं क्या बताते हैं, आप सभी लोग ये मैगजीन्स लीजिए। कल सुबह काउंटर पर आपको मैगजीन्स मिल जाएगी। कबीर बुद्ध।
सब लोग सामान्य आदमी हैं, परंतु कष्ट के हैं, कष्ट के हैं, आपके जैसे सोए नहीं। जून में मैं वृंदावन गया था। वृंदावन में गोविंद मठ, जिसमें 24 आवर ओम नमः शिवाय का जाप चला करता है। तो मैं ध्यान में बैठा हुआ था साइड में, वहाँ के जो महंत हैं श्री, आपका नाम क्या है, क्या काम करते हैं, कहाँ से हैं आप? मैं बीरेश त्रिपाठी, कानपुर CID से, और करीब 2012 में मुलाकात हुई थी। अच्छा, तब से मैं ध्यान कर रहा हूँ। जून 18 में वृंदावन दर्शन करने गया था, तो गोविंदाचार्य जी के आश्रम में मैं बैठा हुआ था। 21 वर्ष से मौन धारण किए हैं विज्ञानाचार्य जी वहाँ, तो वो आश्रम में आरती करते हुए निकल रहे थे, मुझे देखा रुक गए, अपने शिष्य को लिखे दिया ये कौन है, तो शिष्य ने कहा ये कानपुर CID से आते हैं, अक्सर ऐसे ही बैठ जाते हैं। तो बोले कि जब ये उठे तो मेरे पास लेके आना। जब मैं उनके पास गया तो वो लिख के दिया क्या कर रहे थे, मैंने कहा ध्यान, कहे मेरे सामने करो। 25 मिनट करीब मैंने उनके सामने किया, तो उन्होंने रजिस्टर पर लिख के दिया हमको कि यह ध्यान आपको ब्रह्म ऋषि सुभाषपत्री द्वारा सिखाया गया है और पूर्व जन्म में ये गौतम बुद्ध के शिष्य रह चुके हैं। तीसरा पॉइंट था कि आचार्य रजनीश और श्री ब्रह्म ऋषि सुभाषपत्री जी एक गुरु के शिष्य रहे हैं और कई शक्तियां इनके पास कार्य कर रही हैं जो सीधा सख्तपात करके ध्यान में ले जाती हैं। ऐसे दिव्य पुरुष के मैं दर्शन करना चाहता हूं, एक बार आश्रम तक ले आए। मैंने बताया सर को, सर कहे फरवरी में चलूंगा। ध्यान के पूर्व हर व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है, ध्यान के पश्चात हर एक व्यक्ति असामान्य व्यक्ति बन जाता है। तो आप क्यों नहीं बनते स्वामी जी, हैं? बनना नहीं चाहते हैं? आप सामान्य व्यक्ति, इधर आके इधर बैठिए, आप इधर आइए, तालियां बजाइए इनके लिए, ये सामान्य व्यक्ति। अभी हम ध्यान में बैठेंगे, थोड़े लोग मेरे साथ इधर बैठना, प्लीज कम, सम पीपल कम हियर, आई वांट दिस टू बी फिल्ड अप विद पीपल। आप इधर आइए सभी लोग, स्वामी मेरे साथ बैठिए, आप तो असामान्य हैं। बैठो बैठो, सामने 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 बैठो। सभी लोग हाथों में हाथ रखिए, चश्मे निकाल लीजिए। जो लोग स्टेज के ऊपर बैठ सकते हैं आकर बैठिए। पूरे लाइट निकाल दीजिए बाबा, आंखें बंद कर लीजिए, आप म्यूजिक शुरू करो। मैडम दोनों हाथ ऐसा ऐसा, आंखें बंद, संगीत के साथ हम ध्यान में बैठेंगे, आंखें बिल्कुल बंद, लगातार 40 मिनट। चश्मे निकाल लीजिए, हम भी कबीर बनेंगे, हम भी संत ज्ञानेश्वर बनेंगे बाबा, हम भी असामान्य बनेंगे। दुनिया में कोई भी सामान्य ना रहो, सभी लोग असामान्य बनेंगे। दिन के 24 घंटे हैं, काफी समय अपने पास असामान्य बनने के लिए, ध्यान के माध्यम से।
का अभ्यास रियाज। बार बार ध्यान करें, हजार बार ध्यान करें बाबा, क्या करेंगे नहीं तो बेकार की बातें करेंगे। असामान्य बनो, जो समय को व्यर्थ गंवाता है वो तो सामान्य ही रह जाता है, जो समय का फायदा उठाता है वो असामान्य बन जाता है। और ध्यान के माध्यम से सभी लोग यूं ही असामान्य बन जाते हैं, देखते देखते हम असामान्य बन जाते हैं, जैसे अनगिनत लोग बन चुके हैं। हम ध्यान में बैठेंगे जिनके 24 घंटे में 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे 10 घंटे बाबा, हम 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे 10 घंटे बेकार की बातें करते रहते हैं अक्सर, जो न घर के होते हैं न घाट के होते हैं और सामान्य ही रह जाते हैं। क्यों नहीं रहेंगे, बेकार बातें करते ही रहेंगे तो सामान्य ही रह जाएंगे। लगातार 40 मिनट मैं भी देखूं आपके पास कितना श्रद्धा है असामान्य बनने के लिए। हम तमोगुण के मारे हुए, हम रजोगुण के मारे हैं,
लिखा था 40 मिनट, इसे कहते हैं हनुमान चालीसा। हनुमान यानी सांस के पुत्र बने, चालीसा यानी 40 मिनट, ऐसा 40 दिन। इस वक्त आप हनुमान चालीस को अपना रहे हैं, क्योंकि मंत्र मंत्र की बात नहीं है, सांसों की बात है। सांस के पुत्र हैं हनुमान जी, तो हम भी सांस के पुत्र बनेंगे बाबा। Re ma re ma pa re ma.
हम भी योगी बनेंगे, योगीश्वर बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? हम कोई आलसी तो थोड़ी हैं, हम तमोगुण के मारे थोड़ी हैं, दिन के 24 घंटे भला क्या करते हैं? हम भी योगीश्वर बनेंगे बाबा, बिल्कुल बनेंगे। फिलहाल इस वक्त कोई भी आंखें न खोलें। अगर मैं बांसुरी बजा सकता हूँ तो आप भी बजा सकते हैं, अगर मैं योगी बन सकता हूँ तो आप भी बन सकते हैं, क्यों नहीं बनेंगे बाबा? अगर गौतम बुद्ध कुछ बने तो हम क्यों नहीं बनेंगे? हम भी बन सकेंगे, हम भी बनेंगे भी, क्यों नहीं बनेंगे बाबा, बताइए एक बात। आप कुछ भी कर सकते हैं, या कुंभकर्ण के जैसे सोच सकते हैं, या गौतम बुद्ध के जैसे बुद्ध इंसान बन सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। कुंभकर्ण के जैसे बने, 6 महीने खाए, 6 महीने सो जाए, मर्जी आपकी। या हरिप्रसाद चौरासिया के जैसे बन सकते हैं, या बिस्मिल्लाह खान के जैसे बन सकते हैं, या गावस्कर के जैसे बन सकते हैं, या लियोनार्डो डा विंची के जैसे बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं आप। अगर आप आलसी नहीं है तो कबीर जी के जैसे बनेंगे आप, क्यों नहीं बनेंगे? हर एक आदमी भगवान है, कौन भगवान नहीं है? परंतु हम आलसी भगवान, तमोगुण के भगवान, रजोगुण के भगवान है, यही तो आपत्ति है। रजोगुण को और तमोगुण को खत्म करिए बाबा, और असामान्य बन जाइए आप। या तमोगुण और रजोगुण से रहिए, सामान्य ही रह जाइए जिंदगी भर की कहानी, मर्जी आपकी, किस रास्ता चुने आप। केवल 40 मिनट, मैं ज्यादा पूछा थोड़ी, जिसे कहते हैं हनुमान 40 साल, पवन पुत्र बने 40 मिनट। क्यों नहीं करते हैं आप? क्या पहुंचे हुए हंसते हैं क्या? केवल 40 मिनट, ज्यादा नहीं। इसी को कहते हैं गंगा जी का स्नान, गंगा जी में स्नान। अपने घर में ध्यान में बैठी तो वही गंगा जी का स्नान है। कानपुर के लोग कान खोल कर सुन लेना, गंगा जी का स्नान क्या होती है, पहचान लेना बाबा, बाद में स्नान के पीछे पड़ना, कुछ भी जानते ही नहीं, भारत देश में जन्म लिए फिर भी न किसी से सीखे न किसी को सिखाए, ऐसा स्थिति है। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, केवल 40 मिनट।
हम अपने आप को सामान्य देखना चाहते हैं, इसीलिए हम सामान्य बन चुके हैं। हम अपने आप को असामान्य देखना चाहते हैं तो आप असामान्य बनेंगे, कोई भी बनेगा। यद्भावम तद्भवति, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किम वदंती है सत्य हम या मति ही सा गति भवति। जैसे आपकी मति होती है ना, वैसे ही आपकी गति होगी। मुक्ति को चाहते हैं तो मुक्ति पा लेंगे, बंधन को चाहते हैं तो बंधन ही पाएंगे आप। ये आपके ऊपर निर्भर है, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। हम सामान्य रहना ही चाहते हैं तो वैसे ही बनेंगे आप। आप असामान्य बनेंगे तो हर रोज समय समय को अभ्यास करेंगे, पल पल की फायदा उठाएंगे आप, लाभ उठाएंगे, क्योंकि आप असामान्य बनना चाहते हैं। हर असामान्य व्यक्ति पहला सामान्य ही था, फिर भी अपने आप को पकड़ लिया और असामान्य बन गया। लता मंगेशकर जैसे कोई भी बन सकते हैं, भीमसेन जोशी के जैसे कौन नहीं बन सकता है, बाबा पतंजलि के जैसे कौन नहीं बन सकता है। इसी को कहते हैं स्पिरिचुअल साइंस, यही सूत्र को बताती है स्पिरिचुअल साइंस। आप स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के सदस्य में हैं, आप तो आपको भी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बननी है, इसीलिए आप यहाँ आ पहुँचे हैं। असामान्य लोगों से सीखते सीखते हम भी असामान्य बन जाते हैं, सामान्य लोग से सीखते सीखते हम भी सामान्य ही रह जाते हैं। किन से सीखना किन से ना सीखें, इस चीज़ को सीखे आप। केवल 40 मिनट में, ज़्यादा नहीं बिठाऊंगा आपको मैं, परंतु मैं आपसे आपके लिए बहुत दूर से आया, हैदराबाद से। क्यों आया मैं, मुझे क्या काम है कानपुर में? मैं क्यों इतना कष्ट उठाऊं? क्योंकि मैं हर एक बंदा को असामान्य देखना चाहता हूं। बाबा ये मेरे लिए मैं काम कर रहा हूं, आपके लिए थोड़ी कर रहा हूं मैं। मैं चाहता हूं कि आप 40 मिनट बैठे तो मैं आपको बिठा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप बैठे ऐसे। ये मेरा स्वप्न है कि मैं लोगों को देखूं आप बैठे ऐसे बैठे, ये मेरा सपन है, मेरे सपन को मैं साकार कर रहा हूं। केवल 40 मिनट, आपके लिए मैं बहुत दूर से आया, हैदराबाद से। मेरे पास भी पत्नी है, बच्चे हैं, मेरा भी घर है बाबा, सब कुछ छोड़कर आया मैं आपके लिए। तो क्या अपना आलसपन नहीं छोड़ेंगे आप, तमोगुण नहीं छोड़ेंगे आप अपने आप के लिए? कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे, केवल 40 मिनट मैं भी देखूं आप कितने तत्पर हैं, कितनी श्रद्धालु हैं अपने आप के प्रगति के प्रति। Thank you.
आखिरी 5 मिनट कोई भी आंखें न खोले। केवल 5 मिनट अपने आप से मिलन। आखिरी 3 मिनट आखिरी 1 मिनट तीस सेकंड के ऊपर रख लीजिए केवल 5 सेकंड 5 4 3 2 1 शून्य धीरे धीरे हाथ निकाल दो हाँ की खोल लीजिए। थैंक यू वेरी मच। कल सुबह मिलेंगे फिर। कल सुबह 8:30 बजे पूरे पत्री सर के साथ सानिध्य में हम बांसुरी वादन और संगीत के साथ में ध्यान करेंगे शाम 8:30 बजे। और हमारे जो इंग्लिश और हिंदी के मैगजीन आते हैं जिसमें सभी साधकों के एक्सपीरियंसेस आते हैं, पत्री सर के प्रोग्राम आते हैं, पत्री सर के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, सर क्या समझाते हैं क्या बताते हैं, आप सभी लोग ये मैगजीन लीजिए। कल सुबह काउंटर पर आपको मैगजीन्स मिल जाएगी।
सबका सुनना सीखो बाबा। Thank you.
सभी लोगों से अनुरोध है कि बाहर खाना तैयार है, वो खाना अपना ग्रहण करके निकले, और जिस किसी को भी पिरामिड जगत पुस्तक लेनी है वो बाहर स्टॉल लगा है, वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ पर आपको पिरामिड भी।